नमस्कार दोस्तों, SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आप लोगों का MCLR मार्जिनल कॉस्ट फंड्स लैंडिंग रेट में 0.05 की कमी करी है, यानी कि 5 बेसिक पॉइंट कम किए हैं। इससे आप लोगों को डायरेक्टली फायदा मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या फिर इस तरह के लोन ले रखे हों, तो यहाँ पे आप लोगों को उनमें 5 बेसिक पॉइंट्स कमी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पे SBI ने ये भी कहा है कि जिन्होंने 30 लाख से या फिर 30 लाख से ज्यादा का लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, उनको 10 बेसिक पॉइंट्स कमी देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी आप लोगों की ब्याज दरें मिल रही हैं, दे रही हैं आप लोग बैंक को, SBI को दे रहे हैं, उसमें आप लोगों को 0.10 तक की कमी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पे और भी कई सारे क्वेश्चन थे कि आप लोगों का जो रेपो रेट पे डिपेंडेंसी है वो कब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोग कई सारी वीडियोस में बताया है कि 1 मई 2019 से ये चीजें लागू हो जाएंगी। आप लोगों के कई सारे जो अभी आप लोगों का MCLR पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल सोर्स पे बैंक के डिपेंड करता है, इनका जितना भी फंड होता है उससे डिवाइड वगैरह करके ये लोग आप लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट निकालते हैं कि आप लोगों को लोन पे, जिस भी तरह का आप लोग लोन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कितनी आप लोगों को ब्याज दरें देनी पड़ेंगी। अब जो डायरेक्टली आप लोगों का रेपो रेट पे इनकी डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो रेपो रेट जैसे ही कम होगा वैसे ही आप लोगों की ब्याज दरें भी कम हो जाएंगी, और आप लोगों का जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा वैसे ही आप लोगों की ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगी। यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, जो भी बैंक RBI से कर्ज लेते हैं और जो कर्ज RBI इन बैंकों को देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है वो रेपो रेट होता है। तो अगर उसमें कमी आएगी तो यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली उसका फायदा देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में RBI ने 25 बेसिक पॉइंट कम करे हैं, यानी कि 0.25 तक के आप लोगों को कम करे हैं रेपो रेट में, तो वो आप लोगों को 1 मई 2019 से डायरेक्टली आप लोगों के इंटरेस्ट रेट पे देखने को मिलेगा। ये फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने वेरिएबल लोन ले रखा हो, या फिर जो लोग आगे वेरिएबल लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आगे रेपो रेट में कमी या फिर बढ़ोतरी होगी, तो वहां पे उनको ये चीजें, उनके इंटरेस्ट रेट पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों का वेरिएबल लोन है तभी आप लोगों को रेपो रेट का फायदा मिलेगा, अगर जिन्होंने पुराने लोन्स ले रखे हैं। तो यही छोटी सी अपडेट थी जो कि आप लोगों को देना था। बाकी यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लोग सेविंग अकाउंट्स को देखेंगे तो सेविंग अकाउंट्स पे आप लोगों की 3.25 और अप टू, यानी कि 1 लाख से ज्यादा का है तो आप लोगों को वहां पे मिलने वाला है 3.50 तक का इंटरेस्ट, अगर हम लोग SBI की बात करें। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आप लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अगर वीडियो ने आप लोगों की हेल्प करी हो, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी थोड़ा समझने दीजिए कि क्या ब्याज दरें नई जो कम हुई हैं, जो 5 और 10 बेसिक पॉइंट्स कम हुए हैं, वो किन के लिए हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।